अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। आज हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी में वो एक सिपे सालार की हैसियत से काम कर रहे हैं। ये मरकज़ी हैं और तो ये रियासती हैं। यम जावेद साहब स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। अहम बात यह है कि लोगों में एक शक व शुबात रहते हैं उमूमन की टिकट किस तरह से हासिल किया जाता है, लोगों को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। जैसे आपने कहा कि नहीं, बहुत सारे लोगों से राय मशवरा किया जाता है, फिर इंटेलिजेंसी भी काम करती है आपकी पार्टी की, लेकिन इल्ज़ाम बारहा ये भी लगाया जाता है कि जो शख्स रसूख वाला है वो अपनी बात मनवा लेता है दबाव डालकर हाईकमान पर। ऐसा तो मुझे एहसास नहीं हुआ। हाँ। और मैं कई सालों से पार्टी में हूँ जी। पार्टी हमेशा हर रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए फैसला करती है और स्क्रीनिंग कमेटी में कई मेंबरान होते हैं और सबकी बातें सुनी जाती है और जो रिपोर्ट यहाँ से कलेक्ट होता है, चाहे इंटेलिजेंस का हो, चाहे पंचायत लेवल वर्कर्स का हो, ब्लॉक लेवल वर्कर का हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कर का हो, सबके ख्यालात को हम लोग सुन के फिर फैसला नहीं कहा जाता है कि ऑब्जर्वर्स को भी मैनेज किया जाता है इस तरह से। हमारे नॉलेज में ऐसा नहीं है। और आपने कहा कि हर जगह से 5, 10, 2, 4 लोग अप्लाई करते हैं और सबको हक है और सभी कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उसी में चुनना है तो कई जगह पर हमने ये देखा है, बात काट रहा हूँ मैं, कि कई जगह पर जीतने वाले कैंडिडेट को काट दिया जाता है, जिसका चेहरा भी नहीं रहता उस जगह पर उसे टिकट दिया जाता है। पार्टी कैसे उसे यानी कि जज करती है, किस तरह से ये सोच दिया जाता है कि अगर इसको हम टिकट देने के बाद वो जीत जाएंगे। मैं अगर बेलगाम साउथ की भी बात कर लूँ, इससे पहले लक्ष्मी नारायण को लाया गया, वो वहाँ के थे, अब तो वो बीजेपी में चले गए। हाँ, वो वहाँ से लाते हैं, आप दूसरी जगह से लाकर यहाँ बिठा देते हैं, मकामी लोगों को क्यों आप मौके नहीं देते, ऐसे सवालात भी किए जाते हैं। तो इस तरह से कैंडिडेट को दूर से लाकर बिठाने के पीछे क्या रहती है? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, वो चाहती है कि हर तबके को मौका मिले जी। और कई जगह थोड़ा मुश्किल भी हो जाता होता होगा, लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि जो राय मशवरा सबका होता है, उसी को नाप तोल के जो बेस्ट होता है वो कांग्रेस करती है, नहीं अपने मर्जी से नहीं थोपती जी, जी, है ना। जो उनको रिपोर्ट आता है, जो उनके ज़िला से आता है, जो स्टेट के लीडर्स कहते हैं, उन लोग के मशवरे से ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को थोप दिया जाता है बाहर से। हमारे नॉलेज में ऐसा बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि इतनी सारी बातें होती हैं, इस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी क्या है, फिर सर्वेयर कैसे रहते हैं, ऑब्जर्वर्स के, इतना सब होने के बाद फिर कांग्रेस हारती क्यों है? क्या देखिए, ऐसा तो 100% तो कोई जीत नहीं सकता, 100% कोई हारता भी नहीं। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि एज ए मेम्बर ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी में 10 से 12 दिन हम लोग की मीटिंग अलग अलग स्तर पे हुई जी। और कई मीटिंग्स हुई जो हमारे बगैर भी हुई, और कई मीटिंग हुई जो 4:30 बजे रात तक हुई। तो भाई, अगर किसी का थोपना ही होता तो इतना समय तो नहीं लगता। वो तो आपस में राय मशवरे के वजह से टाइम ज़्यादा लगा, तो इसलिए इतना देर हुआ। वरना अगर थोपना ही होता तो मेरे ख्याल से 2 घंटा 4 घंटा काफ़ी है, 10-15 दिन का खेल नहीं होता, और 4:30 बजे रात तक कोई बैठता नहीं। तो पार्टी को बड़ा फंड देने वाले का वजन ज़्यादा रहता है, ऐसा ही अफवाह है? ऐसा नहीं, पार्टी में जो खून पसीना बहाता है उसका हमेशा वज़न ज़्यादा रहता है। पैसे वाले बहुत आजकल, तो माफ़ कीजिएगा, हो सकता है आप उसको सही से आप बात ना करें, लेकिन उसका रसूख फाइनेंशियली कुछ ज़्यादा हो, तो पैसा तो आने जाने का खेल है, उसको उतना महत्व कांग्रेस नहीं देती। रसूख वाले को कांग्रेस उतना महत्व नहीं देती जितना आप। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को बहुत ज़्यादा कीमत है आपके यहाँ पर, लीडर को नहीं है? लीडर आते जाते रहते हैं, कार्यकर्ता तो वही रहते हैं। नहीं, पैसे वाले लोग आते जाते रहेंगे, उनके कांग्रेस में उनके लिए महत्व नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी में काम करता है, जो समाज में काम करता है, जिसकी समाज में
इज्जत होती है वो कांग्रेस के फैसला में इम्पोर्टेंट होता है। नहीं, आप दोनों भी मुस्लिम माइनॉरिटी अकलियती तबके के लीडर हैं, हाजी अली साहब भी हो या आप एम जावेद साहब, आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस ज़रूरत नहीं बल्कि मजबूरी है? नहीं, ऐसा नहीं मानता। कांग्रेस अगर सही माने में देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के लिए मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस जब तक रहा, आज अगर कांग्रेस ने पिछले 75 सालों में इतने साल काम किया तो लोगों का भला हुआ, हर जगह स्कूल कॉलेजेस हर तरह की सुविधाएं कांग्रेस के वक्त में हुई, हिंदुस्तान की दौलत बढ़ी। लेकिन पिछले 9 सालों में हम देख रहे हैं कि एक एक करके सब कुछ बेचा जा रहा है। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं या उनकी सरकार है, एक एक करके जो भी जमाया हुआ पूंजी है भारत का वो बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि लोगों का पैसा जो SBI में है और LIC में है, जो बुढ़ापे में या एक्सीडेंट के लिए लोग जमा करते हैं, वो भी पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये मजबूरी है हिंदुस्तानियों की, ये मेरा मानना है, अगर सही माने में हम देखें। और लोगों के गलत जुमलों के वजह से लोग बहक जाते हैं, वो अलग बात है। मतलब मोदी के जुमले असर करते हैं इसलिए बहक जाते हैं, आप लोग कन्विंस नहीं कर पाते। हम लोग सही चीज़ बताते हैं, होता है ना कि माँ बाप से हर वक्त मुलाकात होती है तो थोड़ी सी बात जो है वो खटास पैदा कर देती है। लेकिन रिश्तेदार आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, एक चॉकलेट दे देते हैं, बच्चा उसी के पीछे भागता है। वही है, अभी मौसम वही है, लेकिन वो भी ख़त्म हो रहा है। आपने जैसे कहा बिल्कुल सही कहा कि जितने भी बीजेपी में लीडर्स हैं तकरीबन कांग्रेस से ही गए हैं, शायद वो चॉकलेट की लालच में ही गए होंगे। वो अब उतना डिटेल में हमारा कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये है कि हिंदुस्तान की तरक्की में, हिंदुस्तान को पहचान दिलाने में दुनिया में अगर किसी का 95-99% योगदान है वो कांग्रेस है। और ये मौजूदा सरकार, अभी तो उनके जो एक्स गवर्नर थे उन्होंने भी खुलासा कर दिया कि उन्हें करप्शन से कोई ज़्यादा क्या बोलते हैं तकलीफ़ नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि करप्शन छूट है उनके लिए। और दूसरा जो पुलवामा जो हुआ उसके जिम्मेदार सीधे उन्होंने होम मिनिस्ट्री पे डाला, भारत सरकार की पे डाला। जब CISF ने मांग की कि उसको एयरलिफ्ट कराया जाए, आपने एयरलिफ्ट नहीं कराया, ना ही सैनिटाइज कराया। तो ये तो बहुत सीरियस एलिगेशन है बीजेपी के एक सीनियर लीडर से, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इमिडिएटली जो उस वक्त के होम मिनिस्टर हैं और उस वक्त के प्रधानमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री को सीधे रिज़ाइन करना चाहिए और उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। भाजपा के अच्छे दिन आए ना आए, अब तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि बहुत सारे भाजपा के लीडर, भाजपा के कायद वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। ऐसा है कि किसी भी पार्टी के आवाम हो, लीडर हो, वो हिंदुस्तानी है। लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ये कांग्रेस का मानना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं, आप जैसा भी हम देख रहे हैं कि कई सारे नाराज होकर लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, वो पहले भी तो आ सकते थे, अब तो उनको टिकट नहीं मिल गया। वो तो आप उन लोगों से पूछें तो बेहतर होगा। हमारा जिम्मा बस ये 8 असेंबली सेगमेंट है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग जितने भी कांग्रेसी हैं, हम लोग सब लोग मिलजुल के आवाम तक जाएँ। जो हमारी योजनाएँ हैं, जो हम लोग जो स्कीम्स हम लोगों ने वादा किया है, अगर आप लोग मौका देंगे तो हमारी सरकार अगर बनेगी तो बेरोज़गारों को जो हमने वादा किया है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोगों ने वादा किया है, फिर 10 केजी चावल का वादा किया है, फिर जो 2000 रुपये जो महिलाओं को वादा किया है, वो हम पूरा करेंगे। जहाँ जहाँ जो हमने वादा किया हमने आज तक पूरा किया। हमने, आप गौर कीजिएगा, जब 2004 में हमारी हुकूमत हुई थी तो हमारी नेत्री ने वादा किया था कि हम लोन माफ़ करेंगे। उस ज़माने में 72,000 करोड़ हमने माफ़ किया, जो आज के ज़माने में 20,00,000 करोड़ की हैसियत रखता है। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा मोदी जी हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री है, वो 85,000 करोड़ एक बिजनेस हाउस को उसकी लोन माफ़ कर देते हैं।
ढाई लाख करोड़ एक बिजनेस आए उसको लोन दिला देते हैं। जो अगर आप आवाम को या छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस को देते या छोटे जो बेरोज़गार युवा हैं उनको आप इतना लोन देते तो आज हमारा हिंदुस्तान चाइना के आगे रहता। लेकिन इन लोग तो जुमले के अलावा और झूठ के अलावा इनसे और कुछ बोला नहीं। इतने जुमले के बावजूद भी जो है मकबूलियत मोदी साहब की ज़्यादा है, राहुल गांधी की कम है, ऐसा क्यों? ये आपका मानना होगा। आप सर्वे करते हैं? नहीं, सर्वे तो आप करते हैं भाई, आप हमसे सर्वे कराइएगा, हम कुछ और करेंगे। आपने टीवी में देखा जो इतने सीरियस एलिगेशन लगे उसके बारे में चर्चा हो रही है, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक पुड़िया मिलता है हेरोइन का, उसके पीछे 3 महीने तक आप टीवी वाले और न्यूज़पेपर वाले सब उसके पीछे लग जाते हैं, और हज़ारों दसों हज़ार करोड़ का वही मटेरियल आपको किसी पोर्ट में उनके दोस्त मित्र के यहाँ मिल जाता है, उसके यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती जाने की, ना चर्चा करने की बात होती है। तो ये सब किस सर्वे की बात कर रहे हैं आप? ये सब फ्रॉडगिरी है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ओपिनियन पोल में कांग्रेस ही दिखा रहा ना सब अभी कांग्रेस दिखा रहा ना ओपिनियन पोल। मजबूरी है, मजबूरी है, नहीं तो सब टीवी ऑफ कर देगा, सब टीवी ऑफ कर देगा, सिंपल सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। मैं आप यहाँ आपकी जिम्मेदारी के तौर पर देख रहे हैं, जिम्मेदार भी है, जिस तरह से आप जीतने का दावा करते थे तो इख्तलाफात भी खुलकर उभर कर आते नजर आते हैं, तो इख्तलाफात की बीमारी कांग्रेस में पाई जाती है? नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जितनी भाजपा में नाइंसाफी की नज़र आ रही है उसका 5% भी कांग्रेस में नहीं है। नहीं, और वो इख्तदार में है, नहीं नहीं, कामयाबी के कामयाब होने के बाद उसकी उसके अंदर खामियां नहीं तलाशी जाती। जी जी, आप हारे हुए हैं तो आने वाले कैंपेन के मौके पर आपको नज़र आएगा कि सब एकजुट होकर इलेक्शन हम लड़ेंगे और कामयाब होंगे। तो लेकिन भाजपा की जहाँ तक बात है उनके नेता बागी हैं, आपसे बगावत नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर तो नाइत पार्टियाँ पनप रही। देखिए, ये टिकट पूछना सबका हक है जमहूरी निज़ाम में। एक मरतबा मैं पिछले मौके पर भी कहा हूँ, ये जो होड़ होती है टिकट का क्लियरेंस के तहत, अब टिकट अनाउंस हो चुके हैं तो बाकायदा एक दूसरे को कोऑपरेट करके पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। अब जिनको टिकट नहीं मिली जो नाराज़ हैं उनके लेकर क्या कांग्रेस का है रद्दअमल? कुछ नहीं, उनको हम रुजू होंगे, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और गुजारिश करेंगे कि पार्टी के कैंडिडेट को आप सपोर्ट करें। बेलगाम नॉर्थ, हमें उनसे उम्मीद है कि वो हम सपोर्ट करेंगे। बेलगाम नॉर्थ में भी तकरीबन 9 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, अपने आप को दावा किया था। इस वक्त राजू शेठ शुरू से ही फाइनल माने जा रहे थे, अब ऑथेंटिकली ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है। बाकी जो उम्मीदवार हैं वो इनसे जुड़कर काम करेंगे? मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह के हमारे साथ जुड़कर काम करेंगे और राजू शेठ को जिताएंगे। तो आप फौरन उनसे रब्ता करके? जी जी, एक स्ट्रेटजी बनेगी, एक कोर्ट कमेटी सबको अप्रोच होगी, सबसे बात वगैरह करके एक प्लेटफॉर्म पे सब मिलकर आएंगे और राजू शेठ को इंशाल्लाह जिताएंगे। तो इस बार क्या लगता है सर के गवर्नमेंट बनाने में कांग्रेस कामयाब होगी? बहुत सारे सर्वेज आ चुके हैं लीडिंग न्यूज़पेपर्स के, और टाइम्स 9 भी हैं, सी वोटर हैं, और साफ तौर पे वो लोग बताए हैं कि 120 से ज़्यादा कांग्रेस सीट यहाँ पे जीतने वाले हैं, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हम आएंगे।